10th gen में आपको नहीं मिलता ना मूविंग ऑन टू दी डिप्ले तो डिस्प्ले इज वेरी गुड सिक्सो टू थ्री सिक्स का रेजोलूशन है वैसे तो एक प्रॉपर 2K डिस्प्ले भी नहीं है बट इट्स अ लिक्विड रेटिना आईपीएस डिस्प्ले इन एवरी एंगल लुक्स वेरी फाइन एंड 11 इंच की डिस्प्ले साइज है टू तो बी प्रसाइज टेन पॉइंट नाइन का डिस्प्ले मिलता आपको, है आपको एंड स्टडी पर्पस नोट्स टेकिंग क्रिएटिव वर्क या फिर आर्टिस्टिक वर्क के लिए ये डिस्प्ले साइज यार काफी ऑप्टिमल निकल के आता है ना तो ज्यादा बड़ा है ना इतना छोटा की डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वैसे यार टेन जेन के ना बेजल्स काफी बड़े हैं डुक्स Good at all, से तो काफी है। वैसे आप डिस्प्ले पर कितनी इस आईपैड का बिल्कुल है। की पीक मिलती आपको एंड डिस्प्लेवन इन आउटडोर सनी डेज काफी विजिबल रहता है बट पीक डे सनलाइट में ना ब्राइटनेस थोड़ी कम पड़ती है बटा इट्स इन सीन टू बाकी एच डी आर टे का सपोर्ट है

इम्पैक्ट एंड जब जनरेशन इम्पैक्ट मैनेज आईपैड पर टच करा तो यार एज एक्सपेक्टेड अल्ट्रा पर आई आईपैड भी लैक करने लग गया। यार अगर आपको इतना पावरफुल आईपैड चाहिए जिसपे आप जनरेशन इम्पेक्ट जैसा एक्सट्रीम डिमांडिंग एयर एयर फाइव के अलावा ये चीज ना आपको कोई दूसरा आईपैड करा भी नहीं सकता बाकी एज सच टेंस में भी कोई कम नहीं है एज इट्स एपल डिवाइस तो ओ एस एंड यू आई की तो क्या ही बात करू जिनको पसंद आता है उनके लिए एक्सपीरियंस बेस्ट है बट अगर आप एंड्रॉइड से शिफ्ट होने वाले टाइम लगेगा फॉर गेटिंग ऑप्टिमाइज है सिक्योरिटी अपडेट्स आपको एक्सपेक्टेड 2026 तक मिलेंगे यार मल्टीमीडिया कंजप्शन के हिसाब से 10 जन मुझे काफी एवरेज लगा एज़ द स्पीकर्स आर नॉट एट ऑल गुड वैसे तो क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं आपको स्पीकर्स काफी क्लियर भी हैं बट लाउड नहीं है इतने

आपको सेंटर स्टेज का फीचर मिलता है स्टेज में देखो मैं लेफ्ट या राइट जा रहा हूँ प्लेस मी इन सेंटर इंजन में तो आपको, आपको मैजिक की का सपोर्ट मिलता है बट एपल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन सपोर्टेड है केवल और एप्पल की नई यूएसबी सी टाइप पेंसिल का भी सपोर्ट मिलता है आपको बट दोनों ही पेंसिल काफी एक्सपेंसिव है अगर आप आर्टिस्टिक वर्क प्रॉपर स्केचिंग वगैरह करने वाले हो तो यार एक इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए यू मस्ट गो विद एप्पल पेंसिल बट अगर आप मेरे जितने आर्टिस्ट हो तो यार आप एप्पल पेंसिल अल्टरनेट ले सकते हो लाइक किंग वन के आपको मिल जाएंगे ये रेप्लिका 80-90 तक एक्यूरेट होती है बट प्राइस डिफरेंस पड़ता है पांच छह हजार का सो इट्स टोटली अपॉन यू वैसे तो है ना सभी आईपेड का बैकअप मुझे सेम सा लगता है बट नाइन जेन से कम्पेरेटली थोड़ी छोटी बैटरी इस टेंथ जेन आईपैड में आपको मिलती है सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स की बैटरी है इन द बॉक्स चार्जर मिल जाता है आपको मैक्सिमम ट्वेंटी वॉच चार्जिंग का सपोर्ट है यार बैकअप वैसे ऑब्वियसली यूसेज के हिसाब से वेरी करता है बट इन कैजुअल यूसेज यानी पांच छह घंटों का स्क्रीन टाइम उस तरह की यूसेज में ये टैब दो तीन दिन लास्ट करता है बट अगर आप लगातार गेमिंग करते हो तो लास्ट यार नौ दस घंटों का बैकअप मिलेगा आपको ओवरऑल यार बैटरी बैकअप हर केस में बढ़िया

स बूस्ट बहुत ज्यादा है बड़े फीर स्टूडेंट हार्ट अस्टेक वर्क करना आपको कैजुअल यूजर हो एंड हाई लेवल की मोबाइल गेमिंग भी करनी है, really है टैबलेट आपको कुछ अपर हैंड ऑफर नहीं करता बट एट द सेम टाइम कोई फीचर लैक भी नहीं करता